education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mau. राठ को जिला बनाने की मांग कई सालों से चल रही है, लेकिन इस मुद्दे को चुनाव आने से पहले उठाया जाता है और चुनावी मौसम में राजनीति करने वाले लोग राठ को जिला बनाने का वादा तो कर देते हैं, लेकिन यह वादे हमेशा ही खोखले साबित होते हैं। एक बार फिर से राठ को जिला बनाने की मांग सैकड़ों समाज सेवियों, अधिवक्ताओं व नगर की सामाजिक संस्थाओं ने उठाते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जनपद के राठ नगर में राठ को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से चल रही है। राठ जिला बनाने के आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मलखान सिंह निषाद इसके पूर्व में भी लगभग 8 माह का अनशन करते हुए 24 घंटे तहसील परिसर में गुजारे थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका धरना स्थगित हो गया था। इसके बाद स्वस्थ होने पर वह एक बार फिर राठ को जिला बनाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। आज नगर के समाज सेवियों के साथ अधिवक्ताओं ने मलखान का साथ देते हुए SDM राठ को एक ज्ञापन सौंपा। धरना 24 फरवरी 2019 से बैठने वाले हैं मलखान सिंह निषाद, इसके पहले भी बहुत 7-8 महीने तक बैठ चुके। ये एक आम जनता की लड़ाई है, केवल मलखान सिंह की लड़ाई नहीं है, क्योंकि 100 किलोमीटर बहुत दूर होता है और यहाँ के एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रहता है, क्योंकि हमीरपुर आने जाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, अगर सुबह की कोर्ट होती है तो 140 किलोमीटर चल करके सुबह की अदालत में यहाँ के कोई भी व्यक्ति हमीरपुर पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में ये आम जनता की जो मांग है कि यहाँ जिला बनना ही चाहिए, और ये मांग लगभग 4 साल पहले से चल रही है। और इस मांग के लिए हमारे मलखान सिंह धरने पर बैठे लगातार 8 महीने तक, और ये सर्वदलीय सभी दलों का हमें समर्थन मिला है, क्योंकि राठ क्षेत्र हमीरपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील है, सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है ये। राठ से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।